ये जो जीवन है हमारी आत्मा में है, लेकिन वो जीवन ज़्यादा से ज़्यादा हमको बाहर निकालना हमारे प्राण में। तो हमने हमारे आत्मा के उद्धार के बारे में देखा, हमारे प्राण के उद्धार के बारे में देखा, और हमारे शरीर के उद्धार के बारे में हम देखेंगे। पर उससे पहले ये जो बातें अभी मैंने कहा कि प्राण आत्मा प्राण शरीर, उसको और एक तरीके से भी हम देखते हैं बाइबल में, जैसे पॉलुस इसकी बात करते हैं, और ये भी हम देख सकते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो, कि शायद कुछ लोगों को ये ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि ये जो प्राण आत्मा शरीर, इसका जो ये जो विषय है उसको अलग तरीकों से समझाया है। एक तो जैसे मैंने कहा अभी तक समझाया, और दूसरा हम जैसे देखते हैं पॉलुस काफ़ी जगहों में बात करते हैं एक बाहरी मनुष्य और भीतरी मनुष्य। भीतरी मनुष्य। तो इनर मैन आउटर मैन, बाहरी मनुष्य और भीतरी मनुष्य। तो जब पॉलुस बाहरी मनुष्य की बात करते हैं तो उनका क्या मतलब है और भीतरी मनुष्य का क्या मतलब है? बेसिकली पॉलुस जो कहते हैं उसमें ऐसा है कि जो बाहरी मनुष्य है उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं। एक तो हमारा शरीर, ठीक है, हमारा शरीर जो बाहरी मनुष्य है जो सब देख सकते हैं, और हमारा जो शारीरिक मन, जैसे जो हमारे मन का जो हिस्सा शरीर की तरफ ज़्यादा दिल लगा हुआ है उसको हम कहते हैं बाहरी मनुष्य। और हमारा भीतरी मनुष्य जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा हमारी आत्मा, और जो आत्मा की तरफ जो हमारा मन ज़्यादा लगा हुआ वो भीतरी मनुष्य। आई होप ये कन्फ्यूजिंग नहीं है, लेकिन हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो हमारा मन है वो एक्चुअली एक ब्रिज के समान है, क्योंकि हमारा जब हम प्राण बोलते हैं या मन, तो हमारे विचार और हम जो सोचते हैं, जो हमारा विल, मतलब हमारी इच्छा है, हमारे फीलिंग्स, हमारे सोच विचार, ये शायद मुझे पहले बताना चाहिए था सबसे पहले, कि क्योंकि पता नहीं सबको ये पता है कि नहीं कि हमारा प्राण क्या है। तो हमारा माइंड जो है, जो दिल मन, वो एक लिंक के समान है। तो जैसे एक वचन हम पढ़ लेते हैं, कुछ वचन हम पढ़ लेते हैं, इफिशियंस 4:22, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हाँ, जो बोल रहे हैं कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ, ये दोनों वचन को आप ज़्यादा ध्यान करेंगे तो हमको समझ में आएगा। वो बोलते हैं कि मन के आत्मिक स्वभाव, मतलब जो मन आपका आत्मा की ओर लगा हुआ है उसको बढ़ने दो, और जो ये पुराना मन है जो शारीरिक बातों में लगा हुआ उसको जाने दो, उसको निकाल दो। और एक जगह में भी कहते हैं कोरिंथियों में कि हमारा जो भीतरी मनुष्य वो दिन बर दिन नया होते जा रहा है, जो बाहरी मनुष्य है वो दिन बर दिन बूढ़ा होते जा रहा है, दिन बर दिन वो नष्ट होते जा रहा है, क्योंकि शरीर और वो वाला मन भी। ये हम समझ पाएंगे तो, क्योंकि कई जगहों में पौलुस इसकी बात करता है कि अपने मन को नया करो, और वो कहते हैं कि नया इंसान पुराना इंसान। तो जो हमारा मन है वो एक, जैसे हम समझ सकते हैं कि तीन, आप सोच सकते हैं कि जैसे एक भाग है, दूसरा एक भाग है, और बीच में एक भाग है, वो बीच वाला भाग ही आपका मन है। जैसे ये अगर शरीर है, ये अगर आत्मा है, तो अगर बीच में एक भाग है वो जो है वो मन है। मन इसके तरफ भी, शरीर के तरफ भी जा सकता है, आत्मा के तरफ भी आ सकता है। तो मन जितना हम आत्मा की ओर उसको करेंगे, वो हमारा, मतलब वो हमारा नया मन, जो भीतरी मनुष्य। ओके, तो अभी हम शरीर की बात करेंगे कि शरीर का उद्धार। तो एक वर्स हम पढ़ते हैं, फिलिपियंस 3:21,
वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। महिमा के देह के समान बनाएंगे प्रभु हमारे देह को भी। अभी जो हमारा शरीर है वो एक नेचुरल शरीर है, उसमें जैसे वो बूढ़ा होता है, मर जाता है, तो हमेशा के लिए शरीर नहीं है। लेकिन ये जो हमारा नेचुरल शरीर है वो भी एक दिन स्पिरिचुअल बन जाएगा। मतलब ये जो एक ये आत्मिक बन जाएगा, हम कहते हैं जैसे आत्मिक महिमामय शरीर। इसको हम कोरिंथियों में भी पढ़ सकते हैं, पॉलुस कोरिंथियंस 15 चैप्टर में, फर्स्ट कोरिंथियंस 15 चैप्टर में, वो टाइम होगा तो हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करते हैं तो वो समझाने लगते हैं कि कैसे हमारा अभी का शरीर जो है ना वो एक बीज के समान है। जब हम ये शरीर जब मर जाता है, वो जमीन में उसको बीज के समान वो बोया जाता है, और जो उससे निकलेगा उसका कुछ अलग रूप होगा, वो ऐसा कहते हैं। वो एग्जैक्टली अभी जैसा हम दिखते हैं वैसा हम शायद नहीं दिखेंगे क्योंकि अच्छा ही दिखेंगे इससे अच्छा ही दिखेंगे। और क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जैसे ये वो हम शायद पढ़ लेते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि नश्वर शरीर जो है वो अविनाशी शरीर बन जाएगा। और ये भी लिखा है कि वो अभी किस स्थिति में वो बोया जाता है, एकदम वीकनेस, एकदम कमजोरी में, लेकिन वो एकदम महिमा में सामर्थ्य बन जाएगा। उसमें एक वचन हम पढ़ लेते हैं, फर्स्ट कोरिंथियंस 15:44। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ठीक है। और हम आगे उसमें कहते हैं कि जैसे हम आदम के समान हमारा ये शरीर रहा है, वो शरीर हमारा यीशु मसीह के समान होगा। तो उस शरीर के बारे में हम काफ़ी कुछ देख सकते हैं, जैसे आगे सेकंड कोरिंथियंस में भी पॉल इसकी बात करते हैं और वो समझाते हैं कि ये वाला जो शरीर है वो एक्चुअली एक तंबू के समान है जिसमें हम फिलहाल अभी रह रहे हैं। तो लोग क्या कुछ कर लेते हैं इस शरीर के लिए, इस दुनिया वाले लोग भी क्या कुछ सोचते हैं कि हम कैसे भी बहुत खूबसूरत बन जाएंगे, बहुत शाइनिंग स्किन हो जाएगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह के समान हमारा देह होगा तो उसका महिमा कुछ, उस देह की महिमा कुछ अलग ही होगी। यीशु मसीह उसी देह के साथ प्रकट हुए थे जो मगदलीना मरियम को और अपने चेलों को, और हम देखते हैं कि वो कैसे भी आ जाते थे, बंद दरवाजे के अंदर से भी आ जाते थे, कभी भी आते थे, कभी भी जाते थे। और फिर हम यूहन्ना वो देखते हैं ना, रेवलेशन जो प्रकाशित वाक्य, उसमें यूहन्ना यीशु मसीह को देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि वो एकदम यीशु मसीह के पैरों पे गिर पड़ते हैं, क्योंकि उनका जो उनके कपड़े एकदम वाइट, और वो एकदम बहुत झलक रहे होते हैं, ऐसे शाइनिंग। और वो कहते हैं कि उनके बाल भी एकदम सफ़ेद लगे, उनका फेस भी एकदम सफ़ेद लगा क्योंकि उतनी महिमा के कारण। उनके बाल तो सफ़ेद नहीं थे पर महिमा के कारण उनकी महिमा लाइक उतना ज़्यादा उनकी महिमा प्रकट हुई उस शरीर में। तो हम भी जैसे लिखा है कि यीशु मसीह के देह के समान हमारा दे रहेगा। दूसरे कुरंतियों में पॉलुस ऐसे कहते हैं कि जो हमारा अभी वाला शरीर है वो एक तंबू के समान है, लेकिन हमारा वो शरीर जो महिमामय शरीर एक इमारत है जो हाथों से नहीं बनाया, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। यानी जो भी हम देख रहे हैं आज, लोगों के जितने भी हम शरीर देख रहे हैं, तुम्हारा शरीर, हमारा शरीर, ये सारी चीज़ें टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। पर जिन लोगों ने उद्धार नहीं पाया उनको अनंत काल तक उनको एक नया महिमामय शरीर नहीं मिलेगा। जिस शरीर में वो अभी हैं उसी में वो
रहेंगे, अगर वो नरक में हैं तो उनको बेसिकली ये जो नए शरीर की हम बात कर रहे हैं वो भी यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे और दफनाए गए और वो जब जी उठे वो एक महिमा में शरीर में जी उठे। अब हम जब यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं हम अपने आप को मसीह के अंदर रख देते हैं, जो भी मसीह के अंदर है मसीह के साथ जो भी हुआ वो आइदर हो चुका है उसके साथ या आने वाले दिनों में होगा। जैसे हमने अभी बोला कि मसीह के अंदर हम हैं तो हमारा पुराना मनुष्य मर गया है मसीह के साथ और अभी हमने नया जन्म पा लिया है, मतलब हमारा पापमय स्वभाव जो है वो मर गया है और अभी हम धार्मिक स्वभाव हमारे अंदर आ गया है, जो हमारी नई आत्मा है वो परमेश्वर की धार्मिकता उस नई आत्मा में है। और यीशु मसीह को जैसे दफनाया गया और जब वो जी उठे तो वो अपने नेचुरल बॉडी में वो जी नहीं उठे, वो एक महिमा में शरीर में जी उठे। हम भी जब मसीह के अंदर हम आ जाते हैं तो जिस दिन तूरी फूका जाएगा, यीशु मसीह का आगमन होगा, दूसरा आगमन, तब पौलुस इसी पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय में वो लिखते हैं ना कि हम एक क्षण में बदल जाएंगे, पर जो मसीह के अंदर नहीं है वो अभी भी उसका उसकी आत्मा जो है वो तो मरी हुई है, वो पापी स्वभाव ही है। और अगर वो मसीह के अंदर नहीं है तो जो भी मसीह के साथ हुआ वो उनके साथ नहीं होगा। और एक बात भी हमको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा शरीर या फिर यीशु मसीह के आने के बाद हमारा शरीर आदम जैसा था वैसा होगा, पर आदम तो नेचुरल मैन था, उसका शरीर भले बहुत परफेक्ट था, कोई बीमारी नहीं थी और उसमें मौत नहीं थी, लेकिन वो एक नेचुरल इंसान था, शारीरिक था वो। जैसे यीशु मसीह कहते हैं ना शारीरिक आत्मिक, हम जो हैं हम जैसे यीशु मसीह के आगमन के बाद हमको पता है कि 1000 साल का यीशु मसीह का राज होगा इस दुनिया पर और तब हम भी यीशु मसीह के साथ होंगे। तब जो और भी लोग होंगे इस दुनिया में उनके शरीर तो शारीरिक ही होंगे, लेकिन जो यीशु मसीह की कलीसिया है उसके लिए एक स्पेशल प्रिविलेज है। इसमें बाइबल में एक्चुअली और भी कुछ कैटेगरीज हैं लोग जो इसमें जुड़ते हैं, लेकिन एक चीज़ हमको पक्का पता है, जो कलीसिया में हैं, जो मसीह में हैं, जैसे हमने बात किया मसीह में हैं हम, इसलिए मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ है वो आइदर हमारे साथ हो गया है नहीं तो वो होने को है, वो होगा। तो यीशु मसीह के समान जो वो देह है वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि हमको क्लियरली नहीं पता कि जो यीशु मसीह के आगमन के बाद कुछ लोग शायद यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे इस दुनिया के लोग भी, उनका कैसा शरीर होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन यीशु मसीह की जो कलीसिया है, जो यीशु मसीह का देह है, जो यीशु मसीह के साथ जुड़ गया है, उनका उनको सेम ही शरीर होगा उसी समान जैसे यीशु मसीह का। एक्चुअली कलीसिया एक दूसरी कैटेगरी है, हम यीशु मसीह की दुल्हन। तो चर्च के बारे में ये लिखा हुआ है कि ब्राइड ऑफ क्राइस्ट है, मसीह की दुल्हन है, तो वो एकदम मसीह के जैसे ही रहेगी। उसके बाद जैसे इज़राइल है, जो इज़राइल के मसीहा हैं यीशु मसीह, तो यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा, जब इज़राइल के लोग भी पूरा इज़राइल उद्धार पाएगा, ऐसे पौलुस लिखते हैं, पूरा इज़राइल उद्धार पाएगा और इज़राइल के द्वारा फिर बाकी जितने भी दुनिया के नेशंस हैं, देश हैं, वो भी उद्धार पाएंगे, वो भी यीशु मसीह को अपने राजा के रूप में स्वीकार करेंगे। पर इज़राइल को भी पुराने नियम में जो एक न्यू बॉडी है, नया शरीर है, महिमा में शरीर है, ये पुराने नियम में ये प्रॉमिस नहीं है उनके लिए। मोस्टली इज़राइल को मेरे हिसाब से ये नया शरीर जिसके यीशु मसीह के समान वाला शरीर, वो मोस्टली इज़राइल के लिए नहीं है, लेकिन जो जैसे हम कहते हैं ना कि लास्ट में बाइबल में परमेश्वर एक चीज़ कहते हैं कि अब मौत जो है उसको
हरा दिया गया, मौत नहीं होगा, डेथ डेथ इज द लास्ट एनिमी, जैसे जो मौत है वो आखिरी शत्रु है। तो हजार साल के बाद हम देखते हैं कि जब परमेश्वर कहता है ना कि मैं सभी चीज़ों को नया करता हूँ, सब कुछ नया हो जाएगा, उसके बाद कुछ मृत्यु करके कुछ होगा ही नहीं। जैसे इस दुनिया जो नेचुरल लोग होंगे, जो हम बोलते हैं ना, जो आदम समान लोग, जो लोग होंगे वो आदम और हवा के समान होंगे कि वो मरेंगे नहीं, लेकिन उनका शरीर भी नेचुरली होगा, वो शरीर ही होगा, लेकिन मसीह की कलीसिया है उसके लिए एक स्पेशल प्रिविलेज है कि मसीह का मसीह के देह के समान ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो नेचुरल लोग होंगे ना, भले वो मरेंगे नहीं पर वो उड़ नहीं पाएंगे, जैसे वो मटेरियल शरीर होगा, जैसे दीवार बंद होगा तो वो दीवार खोल के उनको जाना पड़ेगा, लेकिन महिमामय आत्मिक शरीर कैसा होगा कि बंद दीवार में भी जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, कहीं गायब हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो शरीर में हम एक्चुअली देखते हैं ना कि कई अलग प्रकार के हैं, और ये हमको शायद समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ लोग बहुत कंफ्यूज, आजकल कुछ ऐसे भी बातें हम लोगों ने सुना है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो हमारा शरीर, ये वाला शरीर है वो कभी मरेगा ही नहीं, और धीरे धीरे करके वो भी बदलते ही जाएगा, बदलते ही जाएगा, लेकिन वो सच नहीं है। भले अभी हमारा जो शरीर है ये भी पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पौलुस कहते हैं ना कि ये मसीह के साथ जुड़, मसीह का मंदिर है ये, परमेश्वर शरीर में रहता है। और जब भी वो इसकी बात करते हैं, द सैल्वेशन ऑफ द बॉडी, यानी शरीर का उद्धार, वो हमेशा उसको फ्यूचर में ही देख के बात करते हैं, हमेशा वो यही बोलते हैं कि वो एक आशा है। आशा हम उसी के लिए करते हैं जो जो चीज़ हो चुकी है, वो खुद उसमें लिखते हैं ना कि जो चीज़ हो चुकी है उसके लिए हम आशा क्यों करेंगे। जब भी वो बोलते हैं आशा, मतलब ये एक होने वाली चीज़ है, जब यीशु मसीह वापस आएंगे तब होगा, तब तक भी, पर अगर हमें हमारे मनों को नया करना है, अगर कोई बीमारी हो तो हमको ये नहीं सोचना है कि अरे ये शरीर तो ऐसे ही है, ऐसे ही हमको इसी में रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। जैसे रोमियो में वो कहते हैं ना कि हम हमारे आत्मा से इस नश्वर शरीर के कार्यों को हमको नाश करना है, यानी शरीर भले ही अभी, जैसे तुमने कहा कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं, पर बीमारी या कोई भी अगर शैतान का हमला हमारे विरोध में आता है तो हमारे अंदर जो आत्मा है उससे हम चंगाई के लिए परमेश्वर ने एक कीमत चुकाया है, वो इस और वो सब प्राण के उद्धार में ही आता है। हम जब हमारे मनों को नया करते हैं, जब हम वचन के अनुसार हम सोचने लगते हैं, वचन के अनुसार जब हम विश्वास करने लगते हैं, तो हम इस शरीर में भी, इस शरीर में भी उस जीवन को देख सकते हैं, पर वो महिमा में शरीर में तभी बदलेगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे। और इसमें भी जैसे हम देखते हैं ना कि कभी कभी लोग इन बातों को समझते नहीं हैं, जैसे इस दुनिया में एक्चुअली कई सारी चीज़, कई सारे अलग प्रकार के लोग, हम कह सकते हैं लोग माने एक तो हम लोग हैं, और अशुद्ध आत्मा हम जो बोलते हैं ना वो एक्चुअली उनके शरीर नहीं हैं। जैसे जो शैतान का राज्य है उसमें भी अलग अलग क्लासेस हैं, एक तो हम उसमें कहते हैं फॉलन एंजल्स, तो जो बुरे स्वर्ग दूत, जो शैतान के साथ जो गिर गए स्वर्ग दूत, लेकिन अभी वो परमेश्वर के साथ नहीं है, वो ईविल हो गए, मतलब वो उनमें पाप है, वो एक अलग क्लास है। और जो अशुद्ध आत्मा हम बोलते हैं वो अलग क्लास है। जैसे हम अशुद्ध आत्मा बोलते हैं ना, कई बार हम देखते हैं कि लोगों के अंदर वो रहता है, बहुत सारा भी कभी कभी रहता है, जैसे यीशु मसीह ने वो लेगियों को निकाला था, और वो बोल रहे थे कि हमको इन सुअरों में चले जाने दो, तो वो सुअरों में घुस गए। कभी कभी ये जो अशुद्ध आत्मा है उनका शरीर नहीं है, तो वो जानवरों में भी घुस जाते हैं, वो लोगों में घुस के उनको परेशान करते हैं, तो अशुद्ध आत्मा वो अलग है। फिर हम जो एंजल्स देखते हैं, जो स्वर्ग दूत, उनका शरीर अलग है हमारे शरीर से, उनका शरीर क्या है, एक
स्पिरिचुअल शरीर है, जैसे आत्मिक शरीर है, हम जैसे बोलते शैतान है ना, उसका भी एक आत्मिक शरीर ही है। शैतान अगर हमारे सामने हमारे आगे खड़ा भी रहे तो हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हमारी आत्मिक आंखों से हम देख पाएंगे तब हम उसको देख पाएंगे, लेकिन हम उसको हमारी शारीरिक आंखों से नहीं देख पाएंगे। जैसे जो जो आत्मिक शरीर है ना, वो जो शरीर, वो जो मैटर जो हम बोलते हैं ना, मैटर मतलब जो भी हम छू सकते हैं, जैसे जो भी हमने पहना है या जो भी सोना है, चांदी है, जो मैटर है, जो लोहा है, जो भी हम देखते हैं, धातु, जो हमारा शरीर भी मैटर ही है, तो जो स्पिरिचुअल है ना, वो मैटर को चेंज कर सकता है, हम ऐसा बताते हैं। जैसे जैसा अभी स्वर्गदूत हैं, जब कुछ लोग स्वर्गदूतों को देखते हैं ना, और पॉलस भी कहते हैं कि कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों को भी अपने घर में उनको दिया है, मतलब खाना दिया, जो भी दिया, ना ये नहीं जानते हुए कि वो स्वर्गदूत हैं। तो वो कई बार जब लोग स्वर्गदूतों को देखते हैं तो वो मनुष्यों के रूप में होता है, कि कभी कभी वो बच्चों जैसे भी होते हैं, कभी कभी वो बूढ़े लोग जैसे भी होते हैं। तो क्योंकि वो उनका शरीर जो है आत्मिक वो शरीर है, इसलिए वो धातु को बदल के वो कैसे भी रूप में हमारे सामने दिख सकते हैं, लेकिन उनका जो शरीर है वो आत्मिक है। तो ये अलग अलग बातें हैं, और इसके इसको हम और ध्यान करते रहेंगे तो इसमें हमको और कई बातें हम देख सकते। तो हमने उद्धार पाया है हमारे आत्मा में, उद्धार हम पा रहे हैं दिन बर दिन हमारे प्राण में, और हम अपने शरीर के उद्धार का राह देख रहे हैं जब यीशु मसीह आएंगे, और तब हम पूरी तरीके से उद्धार पाएंगे, और हम हमारे प्राण में भी हम परमेश्वर को और ज़्यादा से ज़्यादा हम जानते रहेंगे, उनके महिमा को हम देखते रहेंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आपने उद्धार के लिए एक सुंदर सा प्लान हमारे लिए बनाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका प्रेम जो हमको खींचता है उसके लिए हम आभारी हैं। जो भी चीज़ें आज हमने सीखी, आप हमें मदद कीजिए, हम अपने आप को देखें यीशु मसीह में, हम आपके वचन को और भी समझ पाएँ और अपने मनों को नया करके इस उद्धार का अनुभव कर पाएँ हमारे प्राणों में। आपने जो एक सुंदर सा शरीर रखा है उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। दिन प्रतिदिन हम आपकी आवाज़ को सुने और आपके राहों में चलें पिता। जो भी चीज़ें हमारे विरुद्ध में शत्रु करता है, इस उद्धार में जो भी आपने हमारे लिए रखा हुआ है उसको हम लेके उसका सामना कर सकें। जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ़ है, उसको हम विश्वास से जीत सकें पिता। सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष।